आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। लॉकडाउन पार्ट टू शुरू हो गया, जिसको लेकर काफी सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकार ने धरती के अन्नदाता को अपने खेत में काम करने की पूरी छूट दी है, क्योंकि समय रबी की फसल की कटाई जारी है और लगातार किसान अपने खेत में कटाई करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन में सभी को घर में रहने की सलाह दी गई है, लेकिन किसान को सरकार ने अपने खेत में कार्य करने की इजाजत दे दी है। सरकार का कहना कि किसान को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उसको अपने खेत में काम करने की इजाजत है। प्रदेश के तमाम जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसानों से जाकर उनकी समस्याएं पूछे, अगर जरूरत पड़े तो उसके गेहूँ का मूल्य तय कर उससे गेहूँ भी खरीदे। लेकिन किसान के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, का कारण है मौसम की मार। लगातार दो दिन से बूंदाबांदी हो रही है, जिसको लेकर किसान परेशान है, क्योंकि खेत में गेहूं की फसल खड़ी है और सभी पूर्ण रूप से नहीं कटी है, इसलिए किसान सरकार से मदद की आस करे हुए हैं। एक तरफ जहां लोगों पर खाने को राशन नहीं है, तो वहीं धरती का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान तपती धूप में कार्य करके सबके लिए अनाज पैदा कर रहा है, इसलिए सरकार ने भी उसको पूर्ण रूप से छूट दे दी है, ताकि किसान बेफिक्र होकर अपने खेत में अपने गेहूं की कटाई कर सके। सरकार किसान को अच्छा मूल्य देकर जल्द ही किसान से गेहूं खरीदेगी। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार। अमृत जी, आपके निगरानी में यहाँ गेहूं की कटाई हो रही है, ऊपर से बारिश का सा मौसम यहाँ हो रहा है, और सरकार ने कहा है कि डायरेक्ट किसानों से गेहूँ खरीदे, लॉकडाउन में भी किसान को छूट दी गई है, क्या कैसा लग रहा है? छूट तो दी है, लेकिन ऊपर से बीमार भी है फसल की, और लोगों का घरों से निकल नहीं रहे हैं, किसान आ रहे हैं तो कुछ कम ही आ रहे हैं, परेशानी हो रही है सभी को। तो यानी कि जो गेहूं आपका पड़ा हुआ है, अभी बहुत गेहूं अभी हम देख रहे हैं कि खेतों में पड़ा हुआ है, और बारिश आ जाती है तो क्या बचाव के साधन है? बचाव साधन तो कुछ नहीं है जी, बस जो भी है आपको पता ही है जी, किसान तो हर जगह बढ़ता ही है, कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, कोई सरकार से एक्स्ट्रा किसान को हेल्प नहीं मिल रही। नहीं, सरकार जिस तरीके से कह रही है कि किसान से डायरेक्ट गेहूँ खरीदा जाएगा, अभी तक तो कोई नहीं, कोई सेंटर चालू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। कोई आदेश आपके पास? आदेश नहीं है सर, कोई अधिकारी आपसे मिले? कोई नहीं मिलने आज, कोई नहीं आया। तो लगभग गेहूं की कटाई तो अभी आधी हुई है या अभी रह रही है? अभी तो स्टार्ट हुई, तो काफ़ी रह रही है जी, गेहूं की कटाई रह रही है। तो क्या कहते हैं, अगर गेहूं कोई सरकार डायरेक्ट खरीदती है तो उस पर आपके क्या है? हाँ बिल्कुल देंगे जी, सरकार के साथ हैं सब तरह से।